आज का जो विषय है फीलिंग सेफ, तो डू वी फील सेफ? एवरीबडी फील सेफ राइट नाउ? यस, राइट नाउ वी आर फीलिंग सेफ। अदरवाइज पूरे दिन डू वी फील सेफ, फियरलेस, सिक्योर? लगता है किस किस को हमेशा फियरलेस, सिक्योर, सेफ लगता है? नेवर एक्सपीरियंस इनसिक्योरिटी, फियर, है ना? ऐसा कोई भी नहीं है। अब दो बातें हैं इसमें, एक है बीइंग सेफ, एक है फीलिंग सेफ। ठीक है, बीइंग सेफ इज अबाउट द एक्सटर्नल, है ना? तो आज दुनिया में कोई भी ऐसा कोना है जहाँ पर आप कह सको कि वहाँ सेफ्टी है, वहाँ ना डिजीज़ अटैक करती है, ना कोई, है ना, वेदर का कोई नुकसान होगा शरीर को, ना कोई संबंध में कोई ऐसा होगा जिसके मन में ऐसे भाव हो कि वो नुकसान पहुँचाए, या कोई परिस्थिति या फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ भी ना हो, ऐसी कोई जगह है दुनिया में? ऐसे तो कोई जगह नहीं है। तो फिर बीइंग सेफ इज नॉट समथिंग यू कैन इवन ट्राई, क्योंकि कोशिश वहाँ करते हैं जहाँ उम्मीद हो। तो देयरफॉर हैविंग अ सेशन ऑन बीइंग सेफ डजंट मेक सेंस, क्योंकि फिजिकली एक्सटर्नली देर विल ऑलवेज बी चैलेंजेस, थ्रेट्स जो रहेंगे एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट वो जो बाहर है वो अंदर कैसे ट्रांसलेट होता है, दैट इज समथिंग वी विल वर्क ऑन, है ना? क्योंकि जो बाहर परिस्थितियाँ हैं वो मेरे अंदर फियर और इनसिक्योरिटी का भाव पैदा करती हैं, या मैं करेजियस हूँ और मैं उनके लिए तैयारी करता हूँ, ये ना कि डरता रहता हूँ, है ना? दैट इज़ व्हाट वी कैन डिस्कस हियर टुडे। अब सबसे पहले जो बात है, आज जब हम इनसिक्योर फील करते हैं, जब हमें डर लगता है, तो हम क्या करते हैं? जब कोई परिस्थिति आती है जिसमें हमें खतरा है, तो हम क्या करते हैं? नॉर्मली एवरीबडी व्हाट डू वी डू? वी स्टार्ट प्रेइंग। हाँ, फिर और क्या करते हैं? एक्सटर्नल मेजर्स करते हैं तैयारी करने के, कि कैसे उसको कॉम्बैट करें। और क्या करते हैं? उससे भी पहले आपको किन चीज़ों से डर लगता है वो तो पता करें ज़रा। कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें डर लगता है? एक एक एग्जांपल बताएं। व्हाट आर योर बिगेस्ट फियर्स? बताएं, व्हाट आर योर फियर्स? व्हाट डू यू ड्रेड? किस चीज़ से डर लगता है? फेलियर से डर लगता है। और अपमान से डर लगता है। और हाँ, अरे जोर से बोलो ना, बीमारियों से डर लगता है। और क्या करते हैं? और किस से डर लगता है? मौत से डर लगता है। तो चलिए इनको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ठीक है, फियर ऑफ फेलियर, है ना? हाँ, फियर ऑफ फ्यूचर, है ना? अनसर्टेनिटी, है ना? अब फेलियर को थोड़ा लेते हैं। फेलियर इज अ गुड वन। आज बाबा ने वरदान में क्या कहा? सेवा किए, कोई नहीं आया तो भी, है ना, टेंशन नहीं लो, ठीक है, है ना? अब दिस इज फियर ऑफ फेलियर ना, कि हम कोई काम करते हैं उसमें अपना तन मन धन लगाते हैं,
तो हमारे को अंदर चलता है कि ये काम जो है ये सफल होना चाहिए, इसका रिजल्ट आना चाहिए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ जो मैंने बहुत क्लोजली अपने जीवन में देखा। आई वॉज अ किड एंड हमारे पिताजी की, लौकिक पिताजी की एक फ्रेंड थे, उनकी एक दुकान खुली, ज्वेलरी की शॉप थी। तो उन्होंने पैसा लगाकर वो ज्वेलरी शॉप खोली। तो हम लोग छोटे छोटे थे, हम दिन भर कहीं ना कहीं घूमते रहते थे, तो हम भी उनके दुकान में बैठे रहते थे सुबह से। वो जैसे शटर खोलेंगे तो हम भी घुस जाते थे, तो हम वहीं रहते थे। तो नाउ इट सो हैपेंड कि वो अराउंड एक हफ्ता हो गया उसकी ओपनिंग होकर और सेल नहीं हुई। तो ये जो फियर ऑफ फेलियर है वो अंदर चलने लगा। तो आई कुड सी हिम टॉकिंग कि पता नहीं क्या हो गया है, पहले दिन तो इनॉग्रेशन था, लोग आए, फिर पता नहीं कोई भी नहीं आता, और एक अंदर जो है वो डिस्प्रेशन आने लगे। तो एक हफ्ते के बाद आई वॉज देयर इन दैट शॉप जब ये इंसिडेंट हुआ। समबडी केम एंड ही आस्क्ड फॉर सम ज्वेलरी और इन्होंने वो सारा ट्रांजैक्शन हुआ। मैं इतना देख नहीं रही थी, बट देन व्हेन ही लेफ्ट तो इनको पता चला कि ही डिड नॉट पे, ही लेफ्ट विद द थिंग्स एंड ही सेड मैंने पसंद नहीं किया, बट उसने चोरी कर ली थी। तो इनको पता चला कि ही वॉज चीटेड। देन दैट शॉप ओनर, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं इतने सालों का अनुभवी हूँ, मैं किसी का चेहरा देखकर, उसके कपड़े देखकर, उसके पॉकेट देखकर बता सकता हूँ इसके पॉकेट में कितना कैश है और ये सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। लेकिन मैं इतना डेस्परेट हो गया था कि मैंने ये सोचा ही नहीं कि ये खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, या ये चोर भी हो सकता है। मैं तो, मुझे बस एक ही थॉट ने जकड़ रखा था कि कोई भी आए और ले जाए। तो उस वजह से आई मेड अ बैड डिसीशन। नाउ तुम यहाँ रुको, तुम जाकर किसी को बाहर कहना नहीं कि चोरी हो गई। तो मैंने कहा बट वो तो भाग जाएगा, फिर अभी आप शोर मचाओगे तो कोई पकड़ भी लेगा। तो सर नहीं, वो तो चला गया सो चला गया, पीपल विल थिंक आई एम अ फूल, तो मोर पीपल विल कम टू, है ना, मेक अ फूल ऑफ मी। तो ये बात मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि ये जो फियर ऑफ फेलियर होता है ना, ये हमारे अंदर डेस्परेशन ले आता है। एंड जब हम डेस्परेट हो जाते हैं, वी डोंट टेक गुड डिसीशंस, है ना। एक अफ्रीकन सेइंग है, व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी स्लो डाउन, व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी स्लो डाउन, बिकॉज जब कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना से जितना नुकसान नहीं होता, स्टैम्पेड से होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ पैनिक। तो वो हुआ फियर ऑफ फेलियर, ये हुआ फियर ऑफ यू नो डाइंग और फियर ऑफ एन एक्सीडेंट। उसमें भी जो सबसे पहले चीज़ होती है वो है आवर डिसीजन गोज बैड। हम इनफैक्ट उस सिचुएशन को एवर्ट करने की जगह उसको और इंटेंसिफाई करने की तरफ चले जाते हैं, है ना। मैं और एक इंसिडेंट आपको सुनाती हूँ। एक बार एक भाई थे, तो उनको स्ट्रेस पर प्रोग्राम कराना था, और जब वो आए हॉल में तो आधे घंटे बाद ही आए स्केड्यूल टाइम के, बट स्टिल देयर वर वेरी फ्यू पीपल। तो उनको स्ट्रेस हो गया। तो अब आप सोचो कि
स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम हो और खुद को स्ट्रेस हो जाए तो फिर क्या सुनाएंगे, है ना। तो ये जो आउटकम है ना, आउटकम का जो फियर है, फेलियर का जो फियर है, वो फियर हमें परफॉर्म नहीं करने देता, वो हमारी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। देर आर मेनी पीपल हु से दैट फियर इज़ गुड, इट फुएल्स योर फ्लाइट और फाइट टेंडेंसी, है ना। कहते हैं कि जानवर जब डरता है तो दौड़ता है, पर प्रैक्टिकली मेरे देखने में ऐसा नहीं आया, क्योंकि मैंने ये देखा कि कई बार ऐसा होता है कि आप एक प्रोग्राम में बैठे हैं बाबा के इवेंट में और फिर किसी का फ़ोन बज जाता है, तो वो जो माता है उसको फ़ोन साइलेंट करना आता है, बट उस समय पर वो इतनी घबरा जाती है कि मेरा फ़ोन बज गया है एंड एवरीबडी इज़ लुकिंग एट मी, कि वो फ़ोन उसको साइलेंट करना नहीं आता, वो बज रहा है एंड शी इज़ नॉट एबल टू साइलेंस इट, और अल्टीमेटली वो अपने किसी बगल वाले को देती है कि भाई तुम साइलेंट कर दो मेरा फ़ोन, मेरे से नहीं हो रहा। तो हालांकि आप जब इंटरनेट पर देखेंगे तो दे से दैट फियर मेक्स यू अलर्ट, या आपको फाइट एंड क्या कहते हैं उसको, फ्लाइट रिस्पॉन्स आपका जनरेट होता है, बट प्रैक्टिकली आई हैव नॉट सीन दैट। व्हाट आई हैव सीन इज़ कि एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है विद फियर, और जो काम हम कूल माइंड से करें तो हमारे को संकल्प जो हैं वो सॉर्टेड आते हैं और हम एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर पाते हैं या डिसीशन ले पाते हैं। जब फियर में होते हैं वी डोंट टेक गुड डिसीशंस, या हम पैनिक के सिचुएशन में हमारा थॉट्स भी जो हैं वो सिंक्रनाइज नहीं चलते, है ना। तो अनुभव यही कहता है कि फियर का जो रिस्पॉन्स है इज़ नॉट अ गुड रिस्पॉन्स टू हैव इन क्रिटिकल टाइम्स। अब क्रिटिकल टाइम्स तो हमारे सामने आते हैं, है ना। कैसे क्रिटिकल टाइम्स होते हैं, आप लोगों ने तो बहुत बड़ी बड़ी बात की कि फेलियर एंड डेथ एंड व्हाट नॉट, लेकिन देखा जाए तो बहुत सिंपल सी बात है, हम लेट हो जाते हैं कहीं जाने में, हम लेट हो रहे हैं तो फिर हमारे अंदर क्या आता है ना, फियर ऑफ रीचिंग लेट। अब वो फियर हमें क्या करता है, हम हड़बड़ाते हैं, लेकिन हड़बड़ी के साथ एक और शब्द हमेशा जोड़ा जाता है, क्या, हड़बड़ी से गड़बड़ी, है ना। फिर दूसरा कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जब हम सावधानी नहीं रखते या हम हड़बड़ाते हैं तो चीज़ें बेटर होने की जगह वर्स ही होती हैं, ठीक है। तो व्यक्ति आज तक हम जो रिस्पॉन्स देते आए हैं उसको शायद हमने रिविजिट नहीं किया है बहुत, कि वो रिस्पॉन्स राइट है या नहीं है। आप कभी जाकर सोचते हो कि हम किसी सिचुएशन में जैसा बिहेव करते हैं वो राइट बिहेवियर है या एप्ट बिहेवियर है या नहीं है। हाउ मेनी पीपल टेक नोट ऑफ दिस कि मैंने आज इस सिचुएशन में ऐसे रिस्पॉन्ड किया तो वॉज इट एप्ट और नॉट, ये कितने लोग असेस करते हैं। ओके, बट आई डोंट थिंक सो मेनी पीपल डू दैट। एनीवेज, वो आपको चेक करना, क्योंकि जब हम उसको असेस भी करते हैं तो वो उन्हीं ओकेजन्स पर होता है व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग, है ना, जब कोई गड़बड़ हो जाती है। वरना जब नॉर्मली हम सबकी तरह बिहेव कर रहे होते, जैसे आप ट्रैफिक में हड़बड़ा रहे हैं या आप किसी सिचुएशन में लेट हो गए तो आप डर रहे हैं, तो आप इसको असेस करते हैं कि इज़ दिस द राइट रिस्पॉन्स टू हैव और नॉट। हाउ मेनी पीपल हैव असेस्ड इट ना, वी यूजुअली डोंट डू दीज थिंग्स, क्योंकि हम लोग बहुत इम्पल्सिव हैं अपने बिहेवियर में, हमें जो सूझता है वो हम करते जाते हैं, हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत इम्पल्सिव है, और हम शायद ही कभी इसको चेक करते हैं कि
हम किस सिचुएशन में कैसा बिहेव कर रहे हैं। ट्रैफिक में हर कोई हड़बड़ा रहा है, हम भी हड़बड़ा रहे हैं, हम कभी सोचते नहीं कि इससे हमारा फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कभी नहीं सोचते, है ना। और मैंने एक और चीज़ जो ऑब्जर्वेशन से नोटिस की कि बहुत लोग आपको ये कहेंगे हड़बड़ाने से कुछ मिलता नहीं है, है ना, ऐसा कहते हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं कहता कि हड़बड़ाने से बहुत कुछ खो जाता है। तो हमें लगता है चलो मिलता नहीं है कोई बात नहीं, पर खोता तो नहीं है। पर द थिंग इज़ कि हड़बड़ाने से मिलता तो नहीं है पर खो जाता है, है ना। कई बार हमने ये देखा कि जो चीज़ ठीक होने भी वाली थी क्योंकि हम हड़बड़ा गए। मैंने एक और फिनोमेना जो ऑब्ज़र्व किया, पहले कभी किसी, जब मैं शुरू शुरू में सेवा में आई तो किसी डिग्निटरी से मिलना होता या कोई बात करनी होती तो मैं सोचती कि उसके पास टाइम कम है ना, उन्होंने मुझे 2 मिनट दिया है या 3 मिनट दिया है, तो मैं अपनी 5 मिनट की बात को 3 मिनट में कहना चाहती थी। तो उस हड़बड़ी में कई बार आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स ऑल्सो। फिर मैंने सीखा कि नहीं, 3 मिनट की बात 3 मिनट में कही जा सकती है, 5 मिनट की बात 3 मिनट में नहीं कही जा सकती। सो लेट मी लिमिट माई कॉन्वर्सेशन टू वॉट आई रियली वॉन्ट टू कन्वे, और जो एसेसरीज उसको मैं कट डाउन कर लेट मी लिमिट इट टू द टॉपिक, और फिर मैं उसको पेशेंटली कामली विद लव एंड रिस्पेक्ट कन्वे करूँ। तो ये भी जब आप चेक करेंगे कि वॉट गोज रॉन्ग, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि हम हेस्ट में आ गए या हम स्ट्रेस में आ गए या हम डर गए जिसकी वजह से हमने कोई गलत डिसीशन ले लिया। तो पहली बात ये कि फियर से डिसीशंस गो बैड। सेकंड, जिस चीज़ से आप डरते हैं, जिस भी घटना से आप डरते हैं, जिस भी घटना को आप अवॉइड करना चाहते हैं, एक्चुअली डरने पर उस घटना को आप इन्वोक करते हैं, यू इन्वोक दैट सिचुएशन। तो फियर इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। हम जो रिजल्ट चाहते हैं उसका ऑपोजिट मिलता है। देर इज़ अ स्टडी विच सेज दैट जितने लोग फास्ट ड्राइव करते हैं उनमें से एक्सीडेंट्स का परसेंटेज, और जितने लोग सोचते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा उसमें से एक्सीडेंट का परसेंटेज, दोनों को जब चेक किया गया, कंपेयर किया गया, तो जो सोचते हैं हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, दे मेट द दोज पीपल वर मोर प्रोन टू मीटिंग विद एन एक्सीडेंट। ओके, सो एक तो गलत कर्म करना वो एक चीज़ है, दूसरी है कि जब हम एक आउटकम को एंटिसिपेट करते हैं आउट ऑफ फियर, तो उस आउटकम से हम डरते हैं लेकिन एक्चुअली हम उसी का आह्वान करते हैं ना। ऐसा क्यों होता है? आप तो डर रहे हैं ना, तो फिर आप उसको आह्वान कैसे करेंगे? कैसे होता है ये? हाँ, क्योंकि हम लोग, मुझे मेरा फेवरेट कोट है, निकोला टेस्ला का कोट है कि इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो अगर आप एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के तौर पर सोचें तो आप कोई चीज़ अवॉइड करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, पर आपकी थॉट्स क्या चल रही हैं? बेसिकली यही चल रही हैं, उसी सीन के प्रति चल रही हैं ना। सपोज़ आप रास्ते पर चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि आगे एक गड्ढा है और मुझे नहीं गिरना है, तो आप सीन कौन सा क्रिएट कर रहे हैं? कि हम गए और गड्ढे में गिर गए, राइट? तो जब आप वो सीन क्रिएट कर रहे हैं तो योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर डेस्टिनी, जिसको कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स। तो जो आप सीन क्रिएट करते हैं
वो ही एक्चुअली रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है. तो जब वो होता है तो द थिंग्स दैट वी आर अफ्रेड ऑफ आर द वंस दैट इनएविटेबली हैपन. इसीलिए एक बहुत अच्छा फ्रेज है विच इज़ ऑफन यूज्ड, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. देर पीपल यूज दिस फ्रेज, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. प्रोफेसी इज समथिंग दैट यू से अबाउट द फ्यूचर, राइट? एंड इफ यू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ द फ्यूचर इन अ सर्टन वे, देन इट इज बाउंड टू हैपन दैट वे. अब वो फ्यूचर जो है वो आप ना में क्रिएट कर रहे हैं या हाँ में. जैसे एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे गड्ढे में गिरना है और दूसरी तरफ मुझे गड्ढे में नहीं गिरना है. दोनों में ही ब्रेन को सेम मैसेज जाता है, दैट सेम इमेज कि यू आर गोइंग एंड फॉलिंग इनटू दैट होल. तो इसलिए जिन बातों से हम डरते हैं या जो बातें हम चाहते हैं, जो बातें हम चाहते हैं और नहीं चाहते, दोनों में लैंग्वेज सेम ही यूज़ करते हैं, सिर्फ एक ना यूज़ करते हैं, तो हमारा ब्रेन ना नहीं समझता. तो इसलिए इनएविटेबली जिन चीज़ों से हम डरते हैं वो हो जाती है. तो पहला, फियर से हम अच्छे डिसीशंस नहीं लेते, और दूसरा, जिन चीज़ों से हम डरते हैं वही होती हैं. तो अब डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए. तो अब से नहीं डरेंगे? अब से बिल्कुल नहीं डरेंगे. कोई सिचुएशन आएगी तो क्या करेंगे? नहीं डरेंगे, राइट? कौन कौन है जो आज से बिल्कुल डरेंगे नहीं किसी सिचुएशन में? बिल्कुल पक्का इतने से हो जाएगा? हाँ, ऐसे तो दुनिया बदल जानी चाहिए थी अब तक. सो मैनी सेशंस वी हैव हैड ना. तो हाँ, प्रोसेस इज गोइंग ऑन. Now let us understand that हमारे अंदर तीन चीज़ें हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, है ना? हम आत्मा के अंदर तीन फैकल्टीज़ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार. ये जो सर हिला रहे कौन है? बुद्धि, है ना? बुद्धि को अच्छा लगा, बुद्धि को लॉजिक मिला, बुद्धि को रीज़न मिला कि क्यों डरना नहीं है. तो बुद्धि इज़ हैप्पी नाउ, ठीक है? मन भी हैप्पी है क्योंकि एटमॉस्फेयर अच्छा है. अब ट्रिक और सबसे जो डिफ़िकल्ट वाली चीज़ है वो क्या है? संस्कार. अब संस्कार क्या है? संस्कार फियर का है. फियर इज नॉट समथिंग यू चूज. इज इट समथिंग यू चूज? डू यू डिसाइड अभी मुझे डरना है, चलो अभी 10 मिनट तक डरेंगे? वी डोंट डिसाइड लाइक दैट. हमारे अंदर एक संस्कार है, टेंडेंसी है टू गेट अफ्रेड इन सिचुएशंस. वो टेंडेंसी कैसे बनी है? वो कैसे बनती है? पास्ट एक्सपीरियंसेस से. पास्ट एक्सपीरियंसेस से या पास्ट एक्सपीरियंसेस में जो हमने अपने आप को स्टोरी कही है उससे? कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है, उससे. हाँ, कुछ हो जाता है. तो जब वो होता है, हाँ, तो वो जब होता है वो कहाँ होता है? वो बाहर होता है, ठीक है? फिर उसको हम अंदर रिकॉर्ड करते हैं, है ना? अंदर रिकॉर्ड करते हैं. अब जो बाहर होता है उसकी क्वालिटी है, पर उसको जब हम अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो हम जो स्टोरी उसके बारे में अपने आप को कहते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, पांच मैंने प्रोग्राम कराया एंड नोबडी केम. ओके, नाउ दैट इज़ एन इवेंट आउटसाइड. तो मैंने अपने आप को स्टोरी कही कि नोबडी इज़ इंटरेस्टेड दीज डेज, इसलिए प्रोग्राम कराने का कोई फ़ायदा नहीं है. Okay, this is one story I can tell myself about that incident. Another story I can tell is, मैंने program तो कराया but maybe मैंने उसको advertise ठीक से नहीं किया. So next time I have to advertise well. तो next time advertisement पे मेरा ध्यान रहेगा. Third story I tell myself is, मैंने सब कुछ किया but I was not in a good state of mind. I was full of fear.
कि कोई आएगा या नहीं आएगा, तो मैं हमेशा हॉल को खाली ही विजुअलाइज कर रही थी, इसीलिए ये हुआ. तो नेक्स्ट टाइम आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट आई टेल माई सेल्फ अबाउट द इवेंट. नाउ इन तीनों केसेस में इवेंट तो सेम है, बट जो स्टोरी मैं अपने आप को कह रही हूँ, दोज आर थ्री डिफरेंट स्टोरीज. ठीक है ना. अब आप देखो, वी लर्न टू बी अफ्रेड. फियर इज आर कंडीशनिंग. ठीक है. जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसे करेज की ट्रेनिंग नहीं देते. हम उसे ये नहीं कहते कि बेटा परिस्थितियाँ आएंगी, अंधेरा होगा तो कभी कोई चीज़, कोई छिपकली भी गिर सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, पर उससे कुछ होता नहीं है. तुम है ना करेजियस होके उसे झाड़ देना, है ना. हम उसे ट्रेन करते हैं डरने के लिए. वी डोंट ट्रेन चिल्ड्रन टू फेस, वी ट्रेन चिल्ड्रन टू रन. इसीलिए फियर को अगर आप उसका फुल फॉर्म लें तो इट कैन मीन टू थिंग्स. एफ ई ए आर इज फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, एंड सेकेंड इज फेस एवरीथिंग एंड राइज. ठीक है. तो एक है कि आप फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन एंड फेस एवरीथिंग एंड राइज. तो विच इज द वन वी आर ट्रेन टू डू? वी आर ट्रेन टू रन, है ना. फियर इज नॉट द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज वेदर वी फेस इट विथ करेज और वी रन अवे विथ कावर्डिस. ओके. सो क्योंकि जब कोई सिचुएशन आती है विच इज डिसहारमोनियस, क्योंकि जब कोई भी बाहर ऐसी परिस्थिति होती है विच इज़ नॉट वेरी कंड्यूसिव और नॉट वेरी नॉट समथिंग दैट आई लाइक, तो देर इज़ अ डिसहारमोनी अबाउट दैट सिचुएशन. लेकिन उस डिसहारमोनी में जो डिस्कम्फर्ट फील होता है वो फियर है. बट देन इन द फेस ऑफ दैट फियर वी आर ट्रेन टू रन, वी आर नॉट ट्रेन टू फेस. इफ वी वर ट्रेन टू फेस देन फियर इज नॉट एन इश्यू. गॉट इट. तो बाहर की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को हम आज तक अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि हम समझते हैं दैट इज द प्रॉब्लम. But that is not the problem. What we create in response to that situation, when faced with that situation, what we create inside is the problem. और जब हम बार बार ये cowardice का response देते हैं तो हमारे अंदर जो feeling sediment होती है, जो personality बनती है, that is called a fearful personality, or you know, or then we are afraid of things. तो आज जो हमने फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन की जो पॉलिसी सालों से अपनाई है उसकी वजह से वी आर एज अ पर्सनालिटी, आर पर्सनालिटी इज़ फियरफुल. हमारा संस्कार भय का हो गया. और अगर हम इसके विपरीत कुछ करते, अगर हम हर सिचुएशन में फेस करते तो क्या होता? वी वुड हैव रिजन. और फियर को कॉम्बैट करने का जो तरीका है वो भी क्या है? यू पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन एंड फेस इट. व्हेन यू फेस इट यू ओवर पावर इट, एंड व्हेन यू डोंट फेस इट यू रन अवे. दैट फियर गेट्स द बेटर ऑफ यू एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. ओके. तो आज हमारे अंदर ये जो संस्कार है भय का, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ सिस्टम दैट वी हैव कैरिड फॉर सो लॉन्ग, कि जब भी कोई एडवर्स सिचुएशन आती है तो वी शुड रन, अवॉइड और डू समथिंग दैट वी आर नॉट अफेक्टेड बाई इट, बट नॉट टू डू इनर वर्क एंड फेस इट. फाइन. तो फियर के लिए फर्स्ट थिंग इज करेज. जब हमें कोई भी घटना या ऐसे सामने आती है
तो वी नीड करेज, करेज फॉर, करेज टू क्रिएट लव एंड एक्सेप्टेंस इन दैट सिचुएशन. व्हाई डू वी नीड करेज? वी नीड करेज टू क्रिएट लव एंड एक्सेप्टेंस इन दैट सिचुएशन, बिकॉज फियर का ऑपोजिट है लव. ओके, लव कनेक्ट्स, लव इज द एनर्जी दैट कनेक्ट्स यू. चाहे बाहर की सिचुएशन कितनी भी डिसहारमोनियस हो, सामने वाला व्यक्ति कितना भी आपके एडवर्स हो, बट इफ यू आर एबल टू होल्ड लव इन योर हार्ट फॉर दैट पर्सन और एक्सेप्टेंस इन योर माइंड फॉर दैट सिचुएशन, देन यू कैन चेंज द होल गेम. ओके, सो व्हाट डू यू नीड करेज फॉर? You need courage to create love and acceptance in that situation. And when you do that, you change the game. I will tell you two incidents in this regard. Dono BK family ke hi anubhav hain. Ek bhai the, to he was a mines owner. तो उनके ही वॉज सिटिंग इन हिज ऑफिस वन नाइट और काम कर रहे थे और लेट हो गया, तो बहुत सारे उनके जो एम्प्लॉयज थे वो चले गए थे एंड जो गेट गार्ड थे वो एक दो थे और बाकी सब ने छुट्टी ले ली. ही वॉज अ नाइस मैन, उन्होंने सबको छुट्टी दे भी दी कि ठीक है अब रात हो गई, मैं भी 15 मिनट में निकलने ही वाला हूँ, तो आप लोग चले जाओ. नाउ जब दो चार ही लोग पहरे पर थे तो नैक्सल्स घुस आए. अब वो नैक्सल्स उनके कमरे में पहुंच गए वेर ही वॉज वर्किंग और बंदूक तानी हुई थी एंड दे वर रेडी टू किल हिम. अब इस भाई को व्हाट वुड ही हैव एक्सपीरियंस्ड एट दैट टाइम? फियर. बट देन वो बहुत समय से, क्योंकि ज्ञान में चल रहे थे, ही वॉज प्रैक्टिसिंग टू फाइंड द करेज टू लव एंड हैव कंपैशन इन दीज टाइम्स. जब आपको सामने से कोई अटैक है या कोई व्यक्ति आपके साथ ठीक नहीं चल रहा, तो उसके प्रति कंपैशन और लव कैसे क्रिएट करें, उसकी वो बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे थे. तो इस सिचुएशन में भी क्या हुआ कि उन्होंने, क्योंकि वो प्रैक्टिस थी, तो व्हेन ही फेल्ट दैट फियर इनसाइड, ही वेंट इन एंड क्रिएटेड कंपैशन कि ओके, ये भी आत्मा है ना, ये भले ही आज बंदूक तान कर मेरे सामने खड़े हैं, पर है कौन? आत्मा. तो एक आत्मा दूसरे आत्मा से कनेक्ट करके कॉन्वर्सेशन तो कर सकती है. ओके, तो एंड यू नो व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू समबडी, यू आर इन अ रिलेशनशिप. व्हेन यू आर अफ्रेड, यू कांट टॉक टू समबडी. मैंने ये देखा है कि इवन बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते व्हेन दे आर अफ्रेड. सो व्हेन यू क्रिएट कंपैशन एंड लव, यू टॉक, एंड when you are communicating, then you have a relationship and then you can convey something to the other person. To unhone wo courage laya and then he started talking to them aur unhone kaha ki aap mujhe kyun marna chahte hain. To they said ki tum sara paisa rakh lete ho, tum ameer ho, ye ho wo ho, what their philosophy they talked about. Then he said okay, मैं समझ गया कि मेरे पास पैसा है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बट मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि मुझे मारने पर भी मेरा पैसा तो तुम्हारा नहीं हो जाएगा ना. तो दे एट दैट पॉइंट दे स्टार्टेड थिंकिंग. देन ही सेड कि मैं मर भी जाऊँगा तो भी आई विल डाई रिच एंड यू विल लिव पुअर, सो देर इज़ नो पॉइंट. तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पैसा चाहिए? तो दे सेड यस. तो दे सेड
पैसा अगर मैं तुम्हें अभी एक एक को 50-50 हज़ार या 1-1 लाख या 10-10 लाख भी दे दूँ तो भी वो ख़त्म हो जाएगा? तो बोले यस। तो उसने उन्होंने कहा क्यों ना मैं तुम्हें नौकरियां दे दूँ? तो दे नाउ दे वर थिंकिंग, तो उन्होंने कहा कि नौकरी क्या, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कोई नौकरी नहीं देता, सरकार भी हमें नौकरी नहीं देती। तो ऐसे मेरे ट्रक्स जाते हैं हाईवे पे, तो उन ट्रक्स की निगरानी के लिए मुझे लोग चाहिए। मैं हर कुछ किलोमीटर्स पर लोगों को बंदूक लेके खड़ा करता हूँ, तो तुम मेरे लिए ये काम करो और मैं तुम्हें जो भी सैलरी उसने प्रपोज की कि आई विल पे यू दिस मच एवरी मंथ, एंड आफ्टर सम टाइम दे एग्रीड। एंड इन फैक्ट जो एक एडवर्स सिचुएशन थी वो एक एडवेंटेजियस सिचुएशन में कन्वर्ट हो गई बिकॉज ही गॉट द राइट पीपल टू मैन हिज ट्रक्स। नक्सल से अच्छा कौन उनके ट्रक्स को निगरानी कर सकता है? एंड इवन इफ दे लूटेड दोज ट्रक्स ही वॉज सेव्ड राइट इन दैट मोमेंट। सो नाउ डू यू सी कि आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन को भी चेंज कर सकते हैं। इफ यू आर अफ्रेड यू फुल द डिफिकल्ट सिचुएशन एंड मेक इट मोर डिफिकल्ट, एंड इफ यू आर इन लव एंड कंपैशन एंड एक्सेप्टेंस यू कम अप विथ समथिंग जिसमें डिसीशन मेकिंग भी इम्प्रूव होती है, एंड यू कम अप विथ समथिंग दैट एक्चुअली टर्न्स द होल गेम अराउंड। ऐसे ही जुड़ा एक और इंसिडेंट है जहाँ पर एक माता एक सेशन अटेंड करने आई, जैसे आप लोग आ जाए हो तो आप में से भी कई पर्स नहीं लाए होंगे क्योंकि चल कर आए चल कर चले जाएंगे। तो शी वॉज ऑल्सो नॉट कैरिंग हर पर्स, तो उसने जब गाड़ी में वो बैठी रात को देर से 9-9:30 बजे सेशन ख़त्म हुआ तो सबको टोली मिली है ना, ना वो टोली डब्बों में मिली थी तो उसने खाया नहीं था, वो डब्बा उसके साथ था। अब वो जाकर जब अपनी गाड़ी में बैठी और वो शीशा ऊपर करने लगी तो शीशा ऊपर पूरा बंद नहीं हो रहा था, तो उसने जब देखा तो पता चला एक बंदूक की नली है, तो somebody is pointing a gun and that gun is obstructing that window। तो उसने देखा, फिर उस व्यक्ति ने कहा मुझे अपने पैसे दो, ज्वेलरी दो, पर्स दो। तो शी सेड आई डोंट हैव अ पर्स, मैं कुछ लाई नहीं हूँ एंड आई एम नॉट वेयरिंग एनी ज्वेलरी ऑल्सो, तो आई कॉन्ट गिव यू एनीथिंग आई एम अफ्रेड। देखिए विदेश की बात है, तो वो जो व्यक्ति था वो बहुत गुस्सा हो गया। तो ऐसा भी कई बार होता है कि इन सिचुएशंस में व्यक्ति खून कर देता है क्योंकि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है कि इनों से मुझे कुछ नहीं मिला कि वो खून कर देता है। तो उसने सोचा, तो वो जब एंग्री होने लगा था उसके इस बात पर कि उसके पास पर्स नहीं है, तो इस माता ने ये डिटेक्ट किया और उसने अपने अंदर से उसके लिए एक लव इमर्ज किया। एंड देन शी थॉट ये कुछ चाहता है ना, तो मेरे पास क्या है जो मैं दे सकती हूँ? तो उसको टोली का डब्बा याद आया कि मेरे पास टोली तो है ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उसने वो शीशा नीचे किया और उसको वो टोली दिया और बोला कि मेरे पास ये है, दिस इज़ भोग फ्रॉम वेयर आई हैव कम एंड दिस विल मेक यू गेट अ वेरी बिग डील टुडे, दिस विल हेल्प यू गेट समथिंग वेरी बिग टुडे। तो वो जो व्यक्ति था वो हंसा एंड ही टुक इट एंड ही वेंट अवे। तो अब आप देखो कि ये जो दो सिचुएशंस में हम एक डिसहारमोनियस सिचुएशन को अपनी इंटरनल हार्मनी से चेंज कर सकते हैं, ओके पर उसके लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड अ लॉट ऑफ इंटरनल हार्मनी, वी नीड अ लॉट ऑफ लव विद इन। अगर वो लव अंदर ना हो तो हम उस समय इमर्ज नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं
फियर के टाइम पर बीइंग लवफुल इज एन आर्ट। अब आप देखो कि दुनिया में पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है, इट इज़ अ वेरी रीसेंट फिनोमेना। पीपल ओनली स्टडीड नेगेटिव इमोशंस इन द नेम ऑफ साइकोलॉजी फॉर वेरी लॉन्ग। जब साइकोलॉजी की बात होती थी तो ईगो, एंगर, लस्ट, इनकी बात होती थी। लव, पीस, हैप्पीनेस को कोई स्टडी नहीं करता था अनटिल वेरी रिसेंटली। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, ये बहुत प्रोफाउंड होते हैं। दे कम लाइक अ स्लेज हैमर, एकदम अटैक करते हैं, और इनका जो इम्प्रेशन होता है वो भी बहुत डीप होता है, इसलिए आपकी मेमोरी में ये बहुत जल्दी छप भी जाते हैं। इसलिए इनको स्टडी करना हमेशा इजी था। बट जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, लव, हैप्पीनेस, काइंडनेस, प्योरिटी, दे आर लाइक फ्रैग्रेंस। आप खुशबू को कैद नहीं कर सकते ना, वो क्रिएट होती है, कुछ समय रहती है, एंड देन इट वैनिशेस। ऐसे ही ये जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, हम इनको फील करते हैं पर ये बहुत ट्रांजिएंट होते हैं, और इसीलिए इनको स्टडी करने के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए वो भी डेवलप करना आसान नहीं रहा। तो हमारे अंदर भी जब नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो वो हमारी मेमोरी का हिस्सा बहुत जल्दी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दिन भर में पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस नहीं करते, हम फील करते हैं, वी फील लव, वी फील पीस, वी फील हैप्पीनेस, बट वो मेमोरी में इतना जल्दी रिकॉर्ड नहीं होता, वो हमारा संस्कार इतनी जल्दी नहीं बनता, है ना। नेगेटिव वाला बहुत जल्दी इम्पैक्ट डालता है। जैसे आपको किसी ने हेल्प किया, आप उसे कितने दिन याद रखते हैं? बहुत कम, है ना, हमें लगता है वो तो उसकी ड्यूटी है। लेकिन किसी ने आपको इंसल्ट किया, कितने दिन याद रहता है? ना, हमेशा। तो दैट इज द डिफरेंस, ये जो पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस में। इसीलिए ये जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, इनको डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारा अटेंशन चाहिए, हमें बहुत सारा अटेंशन चाहिए टू डेवलप लव इनसाइड अस, और केयर और पीस और एम्पथी और कंपैशन, इनको हमें डेवलप करने के लिए अंदर, क्योंकि ये एक फीलिंग है ना। जैसे मैं अभी कंपैशनेट रहते रहते कब ईगो में आ जाऊँगी, पता नहीं लगेगा। इट चेंजेस वेरी इजीली। तो इन फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए हमें थोड़ी अटेंशन देना पड़ता है, और इसीलिए मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या है? रिमाइंडिंग योरसेल्फ ऑफ योर प्योर स्टेट एंड स्टेइंग इन प्योर फीलिंग्स फॉर सम टाइम, दैट इज मेडिटेशन, है ना। तो प्योर थॉट्स को क्रिएट कर प्योर फीलिंग्स में कुछ समय बिताना, दैट इज मेडिटेशन। और जब हम इस चीज़ को करते हैं बार बार ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो हमारे अंदर का जो पॉजिटिव एंड पावरफुल जो गुड साइड है, जो लव और पीस की जो कैपेसिटी है, वो बहुत वेल डेवलप्ड होती है। एंड देन इन टाइम्स ऑफ फियर, इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, वी कैन चेंज द एनर्जी, क्योंकि एडवर्स को अपने लिए फेवरेबल बनाने के लिए जो पावर ऑफ लव चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल होगा, है ना। तो ये एक है मेडिटेशन में स्टेइंग इन टच विथ योर फीलिंग्स। सेकेंड इज टेकिंग कॉग्नाइजेंस ऑफ गॉड, कि फियर को कॉम्बैट करने के लिए एक जो बहुत बड़ी पावर है वो है फेथ। तो बार बार अपने को याद दिलाना कि मेरे साथ परमात्मा है, या मैं परमात्मा की छत्र छाया के अंदर हूँ, ये भी बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। अगर हम रोज़ परमात्मा की उपस्थिति
और उनकी छत्र छाया को अपने ऊपर अनुभव नहीं करते, तो ये फेथ की जो कैपेसिटी है ये भी हमारे अंदर नहीं रहती है। राइट, तो ये दो चीज़ें हैं, एक है मेडिटेटिंग टू क्रिएट अ लवफुल एंड पीसफुल स्टेट, एंड सेकंड इज ब्रिंगिंग गॉड विथ यू। अब ये तो जो मैंने अभी तक बात की वो मेनली दो बातों पर थी कि हाउ वी यूजुअली एड्रेस फियर एंड हाउ वी शुड एड्रेस फियर। मेडिटेशन आप सेंटर पर आकर सीख सकते हैं, है ना, मेडिटेशन कैसे करना है, कैसे चलना है, वो हम सेंटर पर कोर्स कराते हैं। दिस टाइम इज़ टू शॉर्ट फॉर दैट और मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरटेकन द कोर्स ऑल्सो। नाउ जो सबसे बड़ी चीज़ जो आज हमें समझनी है वो ये है कि फियर हमारे विकर्मों से आता है। हम जितने गलत कर्म करते हैं उतना हमारे अंदर डर पैदा होता है। इसको हम एक क्योंकि अगर हम अपने जीवन में विकर्म करते रहें और फिर हम सोचें कि हम मेडिटेट करें या हम पीसफुल स्टेट क्रिएट करें या हम लवफुल बने, दैट वोंट बी वेरी पॉसिबल, क्योंकि विकर्मों का बोझ बहुत होता है। अब हम इस बात को समझेंगे कि विकर्म और फियर कैसे जुड़ा हुआ है। आप एक एग्जांपल लीजिए, एक बच्चा है जो स्कूल के लिए निकल रहा है और उससे उसका हाथ लगकर एक वेस्ट टूट जाता है, ठीक है, वो चारों तरफ देखता है, किसी ने नहीं देखा, वो स्कूल चला जाता है। ओके, वो शाम को आता है, उसको किसी ने पूछा भी नहीं कि वेस्ट तुमने तोड़ा या नहीं तोड़ा, पर वो पूरे दिन, पूरी शाम और शायद अगले एक दो दिन डरा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसने क्या किया है, भले किसी को नहीं पता, कोई उसे पॉइंट आउट भी नहीं कर रहा, किसी ने किसी पर आरोप लग चुका है, वो फैसला हो भी चुका है, पर इसको डर लग रहा है। जब भी कोई कॉन्वर्सेशन होगी कान लगा के सुनता रहेगा कि कहीं ये बात तो नहीं हो रही कि मैंने वेस्ट तोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि इसको पता है इसने क्या किया है। और एक बच्चा है जिसने कुछ नहीं किया, पर वो घर पे शाम को आता है तो उसको मार पड़ती है कि तूने वेस्ट तोड़ दिया था सुबह। वो मार खाएगा पर वो डरेगा नहीं, उसको ना मार खाने से पहले डर लगा ना मार खाने के बाद डर लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसने कुछ नहीं किया। तो फियर इज यूजुअली बिकॉज वी नो वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। हमारे अंदर कॉन्शियंस कहकर एक चीज है जिसमें खलबली होती रहती है। जब हम किसी को कोई अपशब्द कह देते हैं या हम जब अपनी ईगो में किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं या हम किसी के साथ किनारा कर कर चल रहे हैं अपने जीवन में या हम किसी के पर गुस्सा कर रहे हैं या हम चोरी कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं या हम अटैचमेंट में गलत डिसीजन ले रहे हैं, गलती हमारे बच्चे की है पर हम दूसरे को पॉइंट आउट कर कर उसे दोषी ठहरा रहे हैं, या हम अहंकार में किसी को नीचा दिखा रहे हैं, भले ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं पर ये सब कुछ करते हुए अंदर कोई एक कोने में हमें खलिश होती रहती है। और इसका एक प्रूफ ये है कि जब हम ये कर रहे होते हैं तो हम एक्सप्लेन भी करते रहते हैं, है ना। अगर हम अपनी मेड को भी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं और कोई सामने बैठा है तो हम 10 बातें उनको कहते हैं, काम नहीं करते हैं, पता है कल ऐसे छोड़कर चली गई थी, ऐसे नहीं कर रही थी, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अंदर बाइट कर रहा है। तो हमारे अंदर
जो नेचुरल सेंस ऑफ व्हाट इज द थॉट, व्हाट इज द थॉट वर्ड एंड एक्शन दैट सूट्स मी, वो है. बट वी गो अगेंस्ट दैट, वी गो अगेंस्ट दैट मेनी टाइम्स इन अ डे. और एक सर्वे है जो कहता है एक एवरेज व्यक्ति 6 to 7 टाइम्स अपने कॉन्शियंस के अगेंस्ट जाता है. इसका मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. सपोज आपको कोई फ़ोन कर रहा है और आपका फ़ोन रिंग हो रहा है, आप उसे नहीं उठा रहे क्योंकि आप उसे अवॉइड कर रहे हैं या आप उससे बात नहीं करना चाहते या आपको लगता है आपके पास अभी टाइम नहीं है. पर जब तक वो फ़ोन बंद नहीं होता ना, आप उसे देखते रहते हैं, आप अपना ध्यान नहीं हटा सकते वहाँ से क्योंकि आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि आई एम अवॉइडिंग समबडी एंड दैट इज़ नॉट ओके. तो हमारे अंदर ये जो मशीनरी है ना, ये कॉन्शियंस की मशीनरी, ये कुछ लोगों का कॉन्शियंस बहुत रिफाइंड होता है, कुछ का थोड़ा सुप्त होता है, जिसको कहते हैं इनका विवेक मर चुका है ना, कई लोग कहते हैं इनकी आत्मा मर चुकी है. क्योंकि कॉन्शियंस का एक रूल है, इफ़ यू गो अगेंस्ट योर कॉन्शियंस मेनी टाइम्स इट लूजेस फंक्शनैलिटी. जैसे आपका जीपीएस है ना, आपको रास्ता बताता है, तो कॉन्शियंस इज योर इंटरनल जीपीएस, यू एग्जैक्टली नो वेर यू आर गोइंग राइट एंड वेर यू आर गोइंग रॉन्ग. लेकिन जैसे आपका जीपीएस आपको कह रहा है टेक राइट टेक राइट टेक राइट, और आप बार बार लेफ्ट लिए जा रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो भी दिशा बदल देता है. ऐसे ही हमारा जो कॉन्शियंस है उसको भी हम जब बहुत ओवरराइड करते हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी घटती जाती है. If it has lost functionality, then it is not. ना क्योंकि उस फिर हम जिसको कहते हैं ना हमें intuitive feeling आई, या that's not usually an intuitive feeling, that is your संस्कार talking. तो conscience जो है वो हर एक का divine है basically. But जितना हम पाप करते जाते हैं उतना उसकी capacity घटती जाती है ना. यस, इट इज नॉट, इट इज नॉट फंक्शनिंग वेल. इसीलिए भगवान को कहते हैं रेस्टोरर ऑफ कॉन्शियंस. भगवान के कई नामों में से एक बुद्धिवानों की बुद्धि या रेस्टोरर ऑफ कॉन्शियंस भी है. क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम परमात्मा के कांटेक्ट में आते हैं तो जो शिक्षाएं मिलती हैं उससे दोबारा हमारा सेंस ऑफ व्हाट सूट्स मी एंड व्हाट डजंट सूट मी वो दोबारा जागृत होता है. क्योंकि हम लोग ना अपने आप को मैन इज अ सोशल एनिमल, सोशल एनिमल बोल के एनिमल बन गए. ओके, सो वी आर सोशल बट वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर डिवाइन. ठीक है, तो वो जो डिविनिटी है अंदर दैट स्पीक्स, तो अभी भी देर आर ट्रेसेस ऑफ इट. ऐसा नहीं है कि पूरा मर गया है, बट इतना एक्टिव नहीं है, राइट. एंड कुछ लोगों में कम एक्टिव है, कुछ लोगों में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है ना. अब ये जो कॉन्शियंस है, ये जितनी बार हम इसको ओवरराइड करते हैं तो हमारे अंदर, क्योंकि ये पता है हमें कि हम गलत कर रहे हैं, तो वो सारा फियर के रूप में सेडिमेंट होता जाता है. इसलिए वी हैव दिस एनॉर्मस कैपेसिटी ऑफ फियर, क्योंकि हम जो गलत काम करते हैं जीवन में ईगो के प्रभाव में, एंगर के प्रभाव में, अटैचमेंट के प्रभाव में, लस्ट के प्रभाव में, है ना, तो ग्रीड के प्रभाव में, तो वो सारे जो विकर्म हैं वो हमारे अंदर फियर बनकर रहते हैं. इसलिए हमें जब हम बात करते हैं फियरलेस होने की, तो गोइंग बाय योर कॉन्शियंस, अलाइनिंग योर कॉन्शियंस एंड योर बिहेवियर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट.
अब हमें अपने आप को अंदर पहचानना होगा कि मैं कौन हूँ। मैं एक प्योर पीसफुल लवफुल हैप्पी सोल हूँ। मेरी क्वालिटी क्या है? टू ट्रीट एवरीबडी विथ लव एंड रिस्पेक्ट, है ना, टू हैव एक्सेप्टेंस फॉर सिचुएशंस, ये मेरी क्वालिटी है। लेकिन अगर मैं बार बार इसके अगेंस्ट जाऊंगी तो मेरे अंदर नेचुरली फियर होगा एंड आई के नॉट डील विद दैट फियर इवन इफ आई मेडिटेट। सो मेडिटेशन के साथ गुड कर्मा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब आप देखो, ये जो विकर्म है ये कब होता है? व्हाई डू वी एंगेज इन दिस विकर्म? जब हम अटैच्ड हो जाते हैं, है ना, जब हम अटैच्ड हो जाते हैं, जब हम अपनी आइडेंटिटी को भूल कर कि मैं अपने आप में वर्दी हूँ, कंप्लीट हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली लवफुल पीसफुल हैप्पी रह सकती हूँ, आई हैव दैट पोटेंशियल, आई हैव द पोटेंशियल टू हैव प्योर फीलिंग्स एंड विशेस फॉर एवरीबडी, इस बात को भूल कर जब मैं अपनी आइडेंटिटी को किसी चीज़ के साथ अटैच कर लेती हूँ, किसी पोस्ट पोजिशन पैसा रिलेशनशिप, तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो बाहर है वो हमेशा स्थाई नहीं रहेगा, दिस इज़ द रूल, लेकिन क्योंकि मेरी आइडेंटिटी उसके साथ अटैच हो चुकी है, इसलिए जब भी वो चेंज होता है मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, और उस आइडेंटिटी क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए आई टेक रिकॉर्स टू रॉन्ग एक्शंस, है ना, कोई पार्शियलिटी करना, कोई करप्शन करना, कोई अपना टाइटल को रखने के लिए कोई गलत काम करना, और जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो उन सब के सब करते करते हमारे अंदर फियर जन्म लेता है, और क्योंकि फियर फिर रहता है तो अगेन दैट फियर ऑफ लूजिंग इट इज़ मोर, तो फिर हम और भी कर्म करते हैं ना, इसीलिए हम सिक्योरिटी के नाम पे भी विकर्म करते हैं। हम इस बात से डर के कि सामने वाला इंसल्ट ना कर दे, हम इंसल्ट करते हैं। अपमान का भय, कोई बता रहे थे ना शुरू में, तो अपमान का भय, क्योंकि हमने सम्मान की डेफिनेशन क्या रख ली, सामने वाले का नमस्ते करना सम्मान है, जबकि ट्रूथ क्या है? ट्रूथ इज मैं खुद आई एम अ वर्दी सोल, मुझे कोई नमस्ते करे या ना करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आई एम वर्दी, लेकिन वो भूल जाने की वजह से आई अटैच माई डिग्निटी टू हिज एक्शन एंड देन बिकॉज ही इज़ नॉट गिविंग मी दैट डिग्निटी, तो फिर मेरे को अपमानित महसूस होने का डर है, और फिर क्योंकि मुझे अपमानित महसूस होने का डर है तो मुझे अपमान करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी साइक्लिकल थिंग, कि क्योंकि हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम बाहर की चीज़ों से अटैच होते हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए, और क्योंकि हम उन चीज़ों से अटैच्ड हैं जो कभी एक जैसे नहीं रह सकते, तो हमारे अंदर फियर ऑफ लूजिंग इट है, और जब हमारे अंदर फियर ऑफ लूजिंग इट है तो उसको बनाए रखने के लिए हम गलत काम करते हैं, और फिर वो गलत कामों की वजह से और फियर आता है, और फिर हम उसको एड्रेस करने के लिए और गलत काम करते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को जब तक हम नहीं समझेंगे और जब तक हम अपने को, अपनी आइडेंटिटी को हमारे काम और हमारे पोजेशन से सेग्रीगेट नहीं करेंगे, एंड वी डोंट अंडरस्टैंड दैट I am in myself, I am a complete entity. I have the capacity to feel worthy, to have hope, to be loveful, to respect, to accept per se. मुझे उसके लिए कोई reason नहीं चाहिए बाहर। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक धन के लिए corruption करेंगे, संबंधों को चलाने के लिए हम गलत काम करेंगे, है ना, jealousy, किसी को नीचे खींचना, किसी को आगे बढ़ाना, पार्शियलिटी, ये सारी चीज़ें रहेंगी, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाएंगे, और जब हम ये सब कुछ करेंगे तो फिर हमारे अंदर फियर घटेगा नहीं, बढ़ेगा, क्योंकि जितनी बार हम अपनी नेचुरल स्टेट के अगेंस्ट काम करेंगे
ओनली फियर विल सेडिमेंट, है ना। हम लास्ट के 10 मिनट क्वेश्चंस भी लेंगे, जिनके भी क्वेश्चंस हैं। तो डू यू गेट दिस होल थिंग, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू रिएक्ट, मेडिटेटिंग टू बिल्ड द पावर टू रिस्पॉन्ड लवफुली एंड कंपैशनेटली, वी ऑल्सो हैव टू टेक केयर टू सी दैट आई सी माई सेल्फ एज अ सोल, एज अ वर्दी लवफुल पीसफुल बीइंग, जिसकी आइडेंटिटी बाहर से नहीं बनती है। क्योंकि जो परिवर्तनशील है उसके फेरे में आकर, उसको मेंटेन करने के फेरे में आकर हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें, हमारा कर्म है कर्म करना, और उस जो आगे है धन संपत्ति संबंध, उनकी भी एक जर्नी है। वो कभी ठीक चलेगा कभी ठीक नहीं चलेगा, उसके बावजूद हमें बिना फियर बिना हेट बिना जजमेंट के राइट एनर्जी के साथ उसके साथ चलना है। ओके, ओम शांति। कोई क्वेश्चंस हैं? हाँ, आप पूछ सकते हैं। आप, हाँ जी। जैसे फियर के बारे में एक छोटा सा, मान लीजिए आपसे अटैचमेंट और आप कहें लंदन जा रही और मैंने सी ऑफ किया, आप मेरे मन में ऑटोमेटिक, मतलब विदाउट क्रिएटिंग एनी सेंस गुड और बैड, एक मन में आता है कि सिस्टर्स शुड रीच सेफली इन लंदन, एक अज्ञात मन में भय सा बना रहता है, अच्छा से पहुंच गए नहीं पहुंची, एक कॉन्फ्लिक्ट अंदर चलता है, जो हमने कोई, मतलब ऐसा कोई करप्शन से रिलेटेड नहीं है, कोई इस तरह की कोई बात, दिस इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट। हां, तो उस स्टेट को कैसे मेंटेन किया जाए कि नहीं सिस्टर चली गई, हमने सी ऑफ कर दिया, सी वुड बी ओके और मैं एकदम स्टेबल स्टेट। यस, सो दैट इज व्हेन यू वर्क ऑन अटैचमेंट, कि मेरा रोल उनको सी ऑफ करने तक का है, उनकी अपनी जर्नी है, उनकी अपनी डेस्टिनी है, एंड बिकॉज शी इज अ नोबल सोल शी विल रीच इन टाइम, ऐसा सोचना। यस, है ना। क्योंकि हमें ये भी फेथ होना चाहिए, जैसे हमें ये फेथ है कि मेरे साथ परमात्मा है, ऐसे मुझे ये भी फेथ होना चाहिए कि हर एक जो बाबा का बच्चा है उसे बाबा संभालेगा, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीबडी एल्स। हाँ, मेरे एक ड्यूटी है, जैसे अगर हमारे संबंध अच्छे हैं तो आपका भी दिल करता है कि चलो हम किसी को सी ऑफ कर दें या किसी को हम कहीं से कहीं तक फैसिलिटेट कर दें, वो ठीक है, पर उसके बियॉन्ड आई हैव टू हैव फेथ that they have their journey and they have done enough good karma to support themselves. Or sister, at that time jadi main blessing bhej raha hu, good wishes, to uska koi aisa negative to nahi hai na, ki blessing ka ulta bhi kuch apra hota hai. Dekhi, what is a blessing? A blessing is that sab acha hai. Jab hum kehte hain sab acha hoga to fir ek question mark bhi aata hai, hoga ya nahi hoga, है ना। तो कभी कभी हम ब्लेसिंग देने के चक्कर में कुछ और ही दे जाते हैं जिसको यूजुअली पेरेंट्स के साथ ये चीज़ देखी जाती है कि वो बच्चों के लिए अच्छा सोचने के चक्कर में वो चिंता करते हैं, एंड चिंता इज़ द ऑपोजिट ऑफ ब्लेसिंग, ठीक है। तो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैट ऑल्सो। हाँ जी, और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न, any comment you want to make, anything? ठीक है, ओके। तो आज हम, मैं अब आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमने रक्षाबंधन के लिए ये टॉपिक क्यों चुना, क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि हम बहने भाइयों को राखी बांध देते हैं और भाभियों को भी राखी बांध देते हैं, एंड फिर ये होता है कि रक्षाबंधन बन गया। अब किसकी रक्षा हो रही है वो भी इतनी क्लैरिटी से नहीं पता, क्योंकि कई कहते हैं राखी बांधने वाले की रक्षा होती है, कई कहते हैं बंधवाने वाले की रक्षा होती है क्योंकि माइथोलॉजी में जो स्टोरी है वो ये है कि यमुना ने यम की बहन ने यम को राखी बांधी, तो यम ने कहा कि जिसके भी हाथ में ये राखी होगी उसके प्राण मैं नहीं हरूँगा। तो टेक्निकली इट इज़ दैट
जिसके हाथ में राखी होगी उसकी सुरक्षा होगी, बट नाउ इट हैज़ बिकम समथिंग कि जो राखी बांधता है उसकी रक्षा होती है. देन अगेन इट इज़ अ वेरी बिजार थिंग कि हम कहें कि भाई बहन भाई को राखी बांधेगी तो भाई रक्षा करेगा. क्यों भाई वैसे रक्षा नहीं करेगा क्या? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हम पिताजी चाचा जी के साथ तो नहीं करते, पर हम भाई बहनों में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई हम तुम्हें राखी बांधेंगे और तुम हमारी रक्षा करना. तो ये जो बातें हैं ये सोचने की बातें हैं कि वास्तव में क्या इस पर्व का यही कारण है या यही स्वरूप है. फिर एक और प्रथा है कि ब्राह्मण जो हैं वो राखी बांधते हैं, और ब्राह्मण को फिर धीरे धीरे, पहले ब्राह्मण बांधते थे फिर बहनों की बात आ गई कि बहनें बांधने लगे. तो हमें बाबा ने ये रहस्य समझाया कि अभी इस समय संगम युग में बहनें ब्राह्मणों का रूप लेती हैं, माना बहनें पवित्रता की धारणा करती हैं. क्योंकि ब्राह्मण और एक साधारण मनुष्य में क्या फ़र्क होता है? पवित्रता की धारणा का. तो वो जो पवित्रता की धारणा करते हैं वो जब रक्षाबंधन बांधते हैं तो प्रतिज्ञा के साथ कि जिसको हम राखी बांध रहे हैं वो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम श्रीमत पर चलेंगे. जैसे आज जो पूरी क्लास हुई वो इसी बात पर है कि जब तक हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं होंगे तो हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि हमारे ऊपर जो विपदाएं आती हैं वो किस कारण से? क्योंकि हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं है. अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं है और हम राखी बांध रहे हैं तो भी हमारी रक्षा कोई भगवान भी नहीं कर सकता. तो इसलिए जब हम ये राखी बंधवाएं आज, तो प्रतिज्ञा क्या करें कि हम आज से बाबा के दिखाए रास्ते पर, श्रीमत पर चलें, जो उनकी शिक्षाएं उनको जीवन में धारण करें और उन कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर हम अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं. क्योंकि कहते हैं सच की नाव हिलती है डुलती है पर डूबती नहीं है, है ना? कहते हैं जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान. लेकिन ये जो सच है ये वो सच नहीं है जो हम, जिसको हम सच कहते हैं कि आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ. सच माना अपनी लवफुल पीसफुल हैप्पी स्टेट में ऑपरेट करना, बिकॉज दैट इज़ आर ट्रू स्टेट. तो जब हम इन बातों को धारण करेंगे जीवन में तब हमारी नाव कभी डूबेगी नहीं, ठीक है? तो रक्षाबंधन माना अपने आप को प्रतिज्ञा के बंधन में बांधना. आप देखो वैसे तो किसी को बंधन अच्छा नहीं लगता, पर ये वाला बंधन बहुत फेमस है, बहुत मीठा है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू टाई दिस बंधन. क्यों? क्योंकि ये बंधन हमारी रक्षा करता है. तो इसीलिए फ्रीडम इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया, मर्यादा में चलना इज़ अ गुड आइडिया. अगर हम मर्यादा का बंधन अपने ऊपर अपने में बांधते हैं तो उस मर्यादा के बंधन से हमारी रक्षा होती है, है ना? तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें एब्सोल्यूट लाइसेंस हो कि हमारा जो मन करे वो हम करें. नहीं, अपने जीवन को, अपने संकल्प बोल कर्म को मर्यादा से चलाने से हमारी रक्षा होगी. इसको कहते हैं फ्रीडम लीड्स टू कार्मिक बॉन्डेज एंड सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन लीड्स टू एक्चुअल फ्रीडम. ठीक है, तो जब हम उस बिजार आइडिया में चलते हैं ना कि मेरा जो मन करे वो मैं करूँ, तो फिर तो कार्मिक बॉन्डेज में हम बन जाते हैं और फिर हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता. लेकिन जब हम अपने आप को स्वमर्यादा के बंधन में, बाबा के प्यार के बंधन में बांधते हैं तो फिर हम जो कर्म करते हैं उससे हमारी रक्षा होती है. तो अभी हम सभी रक्षाबंधन मनाएंगे तैयारी, और राखी बांधने के समय तीन चीज़ें हम करते हैं. पहला तिलक लगाते हैं. तिलक क्यों लगाते हैं? तिलक स्मृति का तिलक है, क्योंकि कर्म श्रेष्ठ कब होंगे? जब याद रहेगा कि मैं एक आत्मा हूँ. अभी समझा ना, जैसे अटैचमेंट आता है, जब जैसे हम अपने को एक संबंध
एक वस्तु किसी से भी जोड़ेंगे तो विकर्म होने लगेंगे। तो स्मृति रखना कि मैं एक आत्मा हूँ, फिर अपनी मर्यादा के बंधन में चलना, तो राखी बांधना मना याद दिलाना अपने आप को कि मेरे अंदर जैसे गांठ बांधते थे ना पहले याद रखने के लिए, तो दिस इज़ टू रिमेम्बर कि मुझे कौन सी मर्यादाओं पर चलना है। आई एम अ लवफुल पीसफुल डिवाइन चाइल्ड ऑफ गॉड, तो मुझे वही कर्म करना है जो मेरे लिए ठीक है, मुझे परिस्थिति के अनुसार कर्म नहीं करना है, मुझे अपनी अपने स्वरूप की याद में कर्म करना है। तो पहले तिलक लगाते हैं, फिर राखी बांधते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर मुख मीठा हो जाता है ना। तो इसलिए टोली खिलाते हैं, क्योंकि मुख मीठा का प्रतीक क्या है कि हमारे अंदर के भाव भी मीठे और हमारे बोल भी मीठे हैं। तो जैसे आत्मा की स्मृति आ गई, याद आ गया कि मैं किसकी मर्यादा पर चलने के लिए बंधायमान हूँ, तो हमारी आंतरिक अवस्था और हमारा व्यवहार दोनों कैसा हो जाता, मीठा। और जब वो मीठा हो जाता तो फिर रक्षा हमारी हो ही गई, है ना, क्योंकि जिसका मन मीठा जिसका व्यवहार मीठा उसका कोई शत्रु नहीं होता। ठीक है, ओम शांति।